तुम देना साथ मेरा वो हम नवा। हाय माया, तुम्हारे कॉल का वेट कर रहा। क्या हुआ वहाँ? कुछ नहीं, अचानक से आकांक्षा का हस्बैंड आ गया और उसने सारी फुटेज देख ली। द पार्ट वेयर आप आकांक्षा को गिफ्ट कर रहे हैं। देख लिया उसने? बौखला गया होगा फिर तो, वो आदि मानव। ओह नो नो, ही वाज काम, बट मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। साइन किया उसने? नहीं, मना कर दिया। बट डोंट यू वरी मिस्टर कपूर, मैंने उसे सोच समझ कर डिसाइड करने को कहा है और कॉन्ट्रैक्ट भी मैं उसी के पास छोड़ा ही हूँ। क्या है ना, किस्मत की चाबी जब आंखों के सामने होती है तो कोई उसे ज्यादा देर तक इग्नोर नहीं कर पाता। माया, थैंक यू सो मच। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा स्मार्ट हो तुम। थैंक्स अ लॉट एंड कीप मी पोस्टेड। या ऑफ कोर्स। किस्मत की चाबी तो दे दी, लेकिन उन दोनों के बीच में आएगा मानव बाजपाई। वो उसे कभी साइन नहीं करने देगा वो कॉन्ट्रैक्ट। मानव, ये वो इयररिंग्स हैं जो वैभव ने मुझे गिफ्ट किए हैं। तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि उस रात जब मैं पार्टी से वापस आई थी तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम बहुत थक गए हो और तुम्हें नींद आ रही है। तो अगले दिन क्यों नहीं बताई? मानव, क्योंकि तुम वैभव का नाम सुनते ही चिढ़ जाते हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारा मूड खराब हो। उस दिन तुमने मुझे मेरे सपनों का घर, वो बंगलो गिफ्ट किया था। मैं नहीं चाहती थी कि किसी भी वजह से तुम्हारा मूड खराब हो, तुम अपसेट हो। और ये सब एक कोइंसिडेंस था, कोई सोचा समझा प्लान नहीं था। मैं तुमसे नाराज थी और फिर बेल बजी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो तुम भूल जाओ। और उस कॉन्ट्रैक्ट को भी भूल जाओ जो तुम्हारी मेंटर इतने प्यार से तुम्हारे लिए छोड़ के गई है। पर मानव, वो तो मैंने तुम्हारे सामने मना कर दिया ना, मैं कोई साइन वाइन नहीं करने वाली। अरे लेकिन क्यों, तुम्हें तो वो कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन करना चाहिए। अक्कू, जिंदगी हर किसी को अपना सपना पूरा करने का दूसरा मौका नहीं देती है। तो तुम कह रहे हो कि मुझे मॉडलिंग फिर से करनी चाहिए? मौका है, प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा था जब तुम अपने रैंप वॉक की बात कर रही थी ना। कितनी बार कहा है तुमसे खाते टाइम नो फोन? पता नहीं मामा, कभी काउंट नहीं किया। मैंने बोला ना फोन नहीं देखना या तू? डैडा, मैं जंतर मंतर की वीडियो देख रहा हूँ। आपको पता है जंतर मंतर में सबसे बड़ा संडायल है, वो 3 सेकंड्स तक परफेक्ट टाइम बताता है। क्या बात कर रहे हैं? आज अचानक से जंतर मंतर में कहाँ से इंटरेस्ट आ गया जहाँ बना हो? डैडा, वो हमारा स्कूल है ना, वो हमें एक्सकर्शन के लिए जयपुर लेके जा रहा है। एक्सरसाइज तो तुम लोग यहाँ पे भी कर सकते हो, उसके लिए जयपुर में जा रहे हो। एक्सरसाइज नहीं, एक्सकर्शन। मतलब घूमने के लिए। आपके डैडा को ना सब समझ में आता है, बस इन्हें दुनिया को घुमाने का शौक है। करेक्ट, तुम दोनों मेरी दुनिया और हर संडे में तुम लोगों को घुमाने ले जाता हूँ। आप दोनों आपस में ही बात कर लो, मेरी तो कुछ सुन ही नहीं रहा है। कौन नहीं सुन रहा है महाराज, कौन नहीं सुन रहा है? सुनते रहे, सुनो, सब सुनो। बोलिए। टीचर ने कहा है कि सारे बच्चों को जयपुर के सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ के आना पड़ेगा। मैं तो अभी से ही बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने तो लिस्ट भी बना लिया, मैं क्या क्या लेके जाऊंगा। हाँ मानव, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, यतु के स्कूल वालों ने ट्रिप के लिए 30,000 मांगे हैं। तीस हजार? अब पता नहीं अचानक से आ गया ये भी। पहले पैसों की इतनी किल्लत चल रही थी, अब ये 30,000 कहाँ से लाऊंगा?
सच में इतनी एक्साइटेड हूँ, इतनी खुश हूँ कि क्या ही बताऊँ। माया मैम को लगता है कि मुझ में अभी भी वो स्पार्क, वो बात बाकी है। और सुने थे सुहागा कि मेरा हस्बैंड मुझे फुल ऑन सपोर्ट करता है। सोचा नहीं था रेनोवेशन का इतना मोटा बजट बनेगा। पर इस कमर्शियल के लिए मुझे कितने पैसे मिलेंगे? जितने पैसे भी मिले सबके सब रेनोवेशन में लगा दूंगी। बंगला जो है ना उसकी रेनोवेशन करवा दीजिए, लेकिन पूरी तरह से उसको रेनोवेट ना करवाइएगा। एक एक कमरे को आप जो है उसे रेनोवेट करवाइए। अकू मैं क्या कह रहा हूँ, हम तीन ही तो लोग हैं है ना, तो पहले सिर्फ एक ही बाथरूम बनवाते हैं और फिर धीरे धीरे बाकी का काम करवा लेंगे है ना। यार अब अपना मूड मत खराब कर लेना। मैं मूड खराब नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है कि तुम्हें उस पठान का लोन भी चुकाना है। लेकिन मानव तुम ना रेनोवेशन के बारे में कुछ मत सोचो, मैं तुम्हें बताऊंगी कि कौन कौन से पार्ट्स हमने पहले रेनोवेट करवाने। ओके? जो हुकुम मेरी आक, मेरी अक्कू। पता है मानव क्या है यार, जोक्स में भी कंजूसी। जोक्स तो कुछ नए लेके आओ यार। और किसी के पैसों का इंतजाम हो ना हो, पठान के पैसों का इंतजाम तो करना पड़ेगा। इतने सालों बाद कल फिर से मैं किसी कमर्शियल के शूट के लिए जाऊंगी। आज तो देर हो जाएगी। बेटा। दादा आपको याद है ना जयपुर की एक्सकर्शन फीस? हाँ यार, यथु के एक्सकर्शन के लिए भी तो 30,000 का इंतजाम करना है, कहाँ से लाऊंगा पैसे? याद है बेटा, सब हो जाएगा। मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले डाडा है ना, मैं आपके स्कूल में आके आपकी फीस डिपॉजिट कर दूंगा। ओके ओके दादा। हाँ तो आप तैयार हो गए, अब नाश्ता करेंगे। ओके दादा। रोज अगर आप मुझे स्कूल भेजते तो ऐसे ही भेज देते ना। ओह सब समझ रहा हूँ बेटा, ताने मार रहा है, बेटी की जगह बाप पैदा कर दिया मैंने। चिंपैंजी, चिंपैंजी। चिंपैंजी क्यों बोल रहे हो? मैं कोई चिंपैंजी दिख रहा हूँ? नहीं मेरे बंदरू लाल, टोस्टर का टाइमर खराब है ना, इसलिए टाइम का हिसाब रख रहा हूँ। चिंपैंजी बोलने में पूरे 1 सेकंड लगते हैं। टोस्टर का टाइमर खराब नहीं है, आपको टोस्ट बनाना नहीं आता है। और वैसे भी दादा ये सब बताते हुए कितने सेकंड लग गए? ब्रेड को नजर न लग जाए इसलिए काला टीका लगाया। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।